दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्पेस में अगर सेम मेटल के दो टुकड़ों को आपस में टच कर दिया जाए तो वो परमानेंटली चिपक जाते हैं। अब इन्हें बिना कट किए अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रोसेस को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। कोल्ड वेल्डिंग की ऐसी एक घटना 1991 में गैलीलियो स्पेस क्राफ्ट में भी घटी थी। गैलीलियो स्पेस क्राफ्ट को जुपिटर को स्टडी करने के लिए 1989 में लॉन्च किया गया था। 1991 को जब गैलीलियो स्पेस क्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंच गया तब वैज्ञानिकों ने इसके हाई गेन एंटीना को ओपन करने की कोशिश की ताकि इन एंटीना की मदद से अर्थ पर डाटा मिल सके। इस स्पेस क्राफ्ट में दो तरह के एंटीनास को लगाया गया था, हाई गेन और लो गेन। हाई गेन एंटीनास को हाई सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस स्पेस क्राफ्ट के हाई गेन एंटीनास को ठीक ऐसे ही ओपन होना था जैसे एक अम्ब्रेला ओपन होती है, लेकिन ये पूरी तरह से ओपन ही नहीं हो पाया क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में लगे 18 में से 3 रिब्स स्पेस क्राफ्ट के कैप के साथ ही कोल्ड वेल्ड हो गए। जब वैज्ञानिक इन हाई गेन एंटीनास को खोलने में असफल रहे तब मजबूरी में उन्हें लो गेन एंटीनास को ही कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना पड़ा।